वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में हरे मटर के अप्पे। अब हरे मटर ख़त्म होने को आए हैं, तो उससे पहले हम हरे मटर के अप्पे बनाते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी होते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम पहले लेंगे सूजी। हम यहाँ पर 2 कप सूजी लिए हैं, उसमें 1 कप दही डाल रहे हैं। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सब में थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसका बैटर बहुत थिक नहीं होगा, इसमें हल्का पानी हम रखेंगे क्योंकि सूजी फूलेगी तो ये हमारे गाढ़े हो जाएंगे बैटर। थोड़ा सा धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, हरी मिर्च आपको चाहिए तो लीजिए नहीं तो स्किप करिए, और थोड़े से मटर के दाने, और इन सबको हम पीस लेंगे। यहाँ पर हम दरदरा पेस्ट बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं मटर के अप्पे। अब इस मिश्रण को हम अप्पे के मिश्रण में मिलाएंगे, इसी में हम ये मटर के मिश्रण को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मिला देंगे। अब हम अप्पे का बर्तन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें छोटे छोटे अप्पे डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से अप्पे फूल रहे हैं और बन रहे हैं। इस तरह से अप्पे को हम थोड़ा देर ढक के पकाएंगे, जब ये एक साइड से पक जाए तभी से पलटी करेंगे। हम इसके साथ खाने के लिए एक सिंपल चटनी बना रही हूँ। उसमें मैं 1 टमाटर लूंगी, 1 हरी मिर्च लूंगी, थोड़ा सा धनिया पत्ती लूंगी, और इसमें हम थोड़ा सा बिना छिला हुआ ही मूंगफली डाल दे रहे हैं, और इसे पीस कर हम चटनी बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। मैं इसमें अब आधा नींबू निचोड़ दूंगी। ये थोड़ा चटपटा बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसे बिना नींबू का भी बना सकते हैं। इसमें नमक ऐड कर दूंगी, और नमक ऐड करके इसे हम मिला लेंगे। ये हमारा चटपटा चटनी तैयार है। अब इसे हम हरे मटर के अप्पे के साथ सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।